शोएब मलिक का अपना ही आईपीएल चल रहा है, यानी इतना प्यार लीग। कुछ ही दिन पहले तीसरी शादी हुई, पर अभी भी उनकी शेरवानी में हलचल चल रही है। सूत्रों के हवालों से पता लगा है कि वहां की हीरोइन नवल सईद को मैसेजेस भेज रहे हैं। इसी बात पे मेरी मंडली के साथ खास दो लाइनें आपके लिए। मेरे काम सूत्र ने, मेरा मतलब जो सूत्र मेरे लिए बाहर काम करते हैं, उनका कहना है कि हो सकता है इस खबर के बाद बाबर भाई शोएब भाई के पास गए होंगे और उनसे कुछ ये कहा होगा। आप सही रहे मलिक भाई, फिर से सूट बनवा रहे हो। यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये साले को घोड़ी पे घूम रहा है तब से। मुझे भी टिप्स दो ना। समाचार। और अब बात आईपीएल की, यानी इंडियन पॉलिटिकल लीग। कंगना रनौत ने कहा, एक मिनट जी, तो दीदी ने कुछ दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि देश के पहले पीएम थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हालांकि अनडिवाइडेड इंडिया के पहले पीएम नेताजी ही थे, पर दीदी ने पहले बात की इंडिपेंडेंस की, उसके बाद कहा कि देश के पहले पीएम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दीदी का सेंस ऑफ ह्यूमर, वाह। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का कि इस टेंशन भरे माहौल में हम सबके अप्रेजल्स के दिन चल रहे हैं और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के जरिए हमारा मूड हल्का कर देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार। अब बात आईपीएल की, यानी इंडियन प्रीमियर लीग। सूर्य कुमार यादव फिट हो गए हैं, उन्होंने मुंबई इंडियंस टीम ज्वाइन कर ली है और मेरे काम सूत्र उनका ये कहना है कि जब सूर्य भाऊ ड्रेसिंग रूम पहुंचे होंगे तो जो आजकल मुंबई टीम का माहौल है और हाल चल रहा है, तो कुछ दृश्य ऐसा होगा। समाचार। इसी के साथ आज का समाचार खत्म करते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तालियां और गालियां वेलकम है। जाते जाते एक बार फिर से शोएब भाई के लिए दो लाइनें खास आपके लिए, क्योंकि दूसरी शादी के बाद भी वो बाकी हीरोइनों के साथ कुछ गुटरगू कर रहे हैं। तो खास आपके लिए, कहीं अनकहीं बातों के लिए रमित आपसे एक क्षमा मांगता है। खुश रहिए, आबाद रहिए, पर आबादी मत बढ़ाइए। धन्यवाद। शोएब के दिल में क्या है, शोएब के दिल में।